नमस्कार दोस्तों, डेली फोकस न्यूज में आपका स्वागत है। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए डेली फोकस न्यूज को सब्सक्राइब कर लें, बगल के बेल आइकन को भी क्लिक कर लें। आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दोबारा शपथ ग्रहण करने वाले हैं। आज शाम 7 बजे शपथ ग्रहण होगी और इस शपथ ग्रहण में पूरी दुनिया से 8000 मेहमान शामिल होने वाले हैं। और 8000 मेहमान में कौन कौन से लोग आ रहे हैं, बॉलीवुड से कौन कौन आ रहे हैं, क्रिकेट जगत से कौन लोग आ रहे हैं, देश के कितने मुख्यमंत्री आ रहे हैं, बिजनेसमैन कितने आ रहे हैं, इन सब के बारे में इस वीडियो में हम बात करेंगे। आप इस वीडियो को पूरे अंत तक देखें। वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक जरूर करें। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बॉलीवुड से कौन कौन से लोग आ रहे हैं। बॉलीवुड से आ रहे हैं शाहरुख खान, अनिल कपूर, अनुपम खेर, विवेक ओबराय, संजय लीला भंसाली, रजनीकांत, इन तमाम सितारे आ रहे हैं, कंगना रनौत, इन सारे आ रहे हैं बॉलीवुड से। और भी कुछ लोग हैं जो बॉलीवुड से आ रहे हैं, आने की न्योता दिया गया है। अब वो आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं, जैसे कि सलमान खान को दिया गया है न्योता, और सारे आमिर खान को, सबको दिया गया है बॉलीवुड में। अब कौन कौन से लोग आ रहे हैं तो शाम को पता चलेगा, लेकिन अभी इतने लोग कन्फर्म है कि आ रहे हैं शाहरुख खान, अनिल कपूर, अनुपम खेर, कंगना रनौत, विवेक ओबराय, संजय लीला भंसाली, रजनीकांत, ये जो सितारे हैं, विवेक ओबराय, ये सारे आ रहे हैं बॉलीवुड से। और दूसरी बात करते हैं कि कौन कौन से भारत के उद्योगपति आ रहे हैं। उद्योगपति में आपको रतन टाटा, मुकेश अंबानी, गौतम अडानी, ये सारे लोग आ रहे हैं। और बात करें खेल जगत से, तो खेल जगत से आ रहे हैं अनिल कुंबले, राहुल द्रविड़, हरभजन सिंह, साइना नेहवाल, इन ये सारे लोग आ रहे हैं। और पूरे आपको जैसे पता है कि सारे दुनिया से 8000 मेहमान आने वाले हैं। और देश के जितने सारे मुख्यमंत्री हैं सब आने वाले हैं। पौंडीचेरी से, पौंडीचेरी के मुख्यमंत्री, केरला के मुख्यमंत्री, सभी लोग आने वाले हैं। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री, गुजरात के मुख्यमंत्री, सब जितने सारे मुख्यमंत्री हैं सबको न्योता दिया गया, सब आने वाले हैं। झारखंड, बिहार, सब आने वाले हैं। और किरण बेदी आने वाली है, किरण बेदी जो पौंडीचेरी के राज्यपाल हैं वो आने वाली हैं। अरविंद केजरीवाल आ रहे हैं, हालांकि अरविंद केजरीवाल ने कहा था कि मैं शपथ ग्रहण में शामिल नहीं होऊंगा, लेकिन फिर उन्होंने कहा कि मैं आऊंगा शपथ ग्रहण में, और वो आ रहे हैं अरविंद केजरीवाल। उसके बाद बात करते हैं कि देश के बाहर से कौन से लोग आ रहे हैं, देश में जो बाहर के पड़ोसी देश के कौन कौन से लोग आ रहे हैं। तो पड़ोसी देश में भूटान, बांग्लादेश, नेपाल, मॉरिशस, श्रीलंका, इन सारे देश के प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति आ रहे हैं। तो पूरी दुनिया से 8000 लोग आ रहे हैं, एक बहुत बड़ी संख्या होती है 8000 लोगों को शामिल करना शपथ ग्रहण में। और इतनी बड़ी संख्या है, 2014 में जो शपथ ग्रहण हुआ था उसमें 4000 लोग आए थे और अभी 8000 लोग आ रहे हैं, तो सीधा दोगुना हो रहा है उससे। 2014 के बाद 2019 में शपथ ग्रहण से दोगुने लोग आ रहे हैं। बहुत भारी संख्या में तैयारी चल रही है। और किसको कौन सा सीट मिलने वाला है, मतलब सीट के कौन मंत्रालय मिलने वाला है, कौन कितने मंत्री बनने वाले हैं, इसमें लगातार चर्चा चल रही है। ऐसा कयास लगाया जा रहा है कि बिहार से जनता दल यूनाइटेड के जेडीयू के नीतीश कुमार की पार्टी है, उनसे 2 या 3 मंत्री उनके पार्टी से आएंगे। और ऐसा कहा जा रहा था कि रामविलास पासवान, जो कि इस बार इलेक्शन खुद नहीं लड़े हैं, उनके बेटे लड़े हैं और राज्यसभा से चुन के आएंगे, लेकिन चिराग पासवान ने साफ कह दिया है कि मैं नहीं, रामविलास पासवान जी ही मंत्री बनेंगे। अब देखना है किसको कौन सा मंत्रालय मिलता है। ऐसा कि जैसा आप सबको पता होगा कि अरुण जेटली ने पत्र लेकर मना कर दिया था कि मैं मंत्रालय नहीं लूँगा, मुझे लगातार कुछ महीनों से मेरी तबीयत खराब चल रही है जिसके कारण से मैं मंत्रालय मुझे ना दिया जाए। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनसे मिला है, उनसे रिक्वेस्ट किया कि आप मंत्रालय में शामिल हो। राजनाथ सिंह को कौन सा मंत्रालय मिलेगा, क्योंकि इस मंत्रालय में अमित शाह को भी एक बड़ी जिम्मेदारी मिलने वाली है। कौन सी जिम्मेदारी, कौन सा मंत्रालय उनको मिलता है, इस पर भी कयास लगाया जा रहा है। तमाम तरह के कयास चल रहा है कि इसको कौन मंत्रालय मिलने वाला है। कुछ पुराने चेहरा आने वाले हैं, कुछ पुराने चेहरा जाने वाले हैं, नया मिलने वाला है। तो ये सारे लोग अभी 8000 लोग आ रहे हैं। और सबसे बड़ी खबर आ रही है अभी कि जो 54 लोग चुनाव के दौरान वेस्ट बंगाल से जिनकी हत्या कर दी गई थी चुनाव के दौरान बीजेपी कार्यकर्ताओं को, उनके परिवार को शपथ ग्रहण में बुलाया गया है। वो दिल्ली पहुंच चुके हैं और उन्होंने मीडिया से बातचीत के काफ़ी अपनी दर्द भरी कहानी बताई, रोंगटे खड़े करने वाले। तो वो लोग भी अब पहुंच गए शपथ ग्रहण में। उनका भी मीडिया वालों ने पूछा कि आप क्या हुआ था, कैसे हत्या हुई, तो उन्होंने कहा कि बीजेपी कार्यकर्ता होने के कारण
पंचायत चुनाव से लेकर अभी तक के चुनाव तक, लोकसभा चुनाव तक 54 लोगों की हत्या की गई है। सारे राजधानी कोलकाता राजधानी एक्सप्रेस से आ गए हैं यहाँ पे दिल्ली में। तो शाम को शाम 7 बजे शपथ ग्रहण होने वाला है। आप डेली फोकस न्यूज़ के साथ बने रहें, हम आपको दिखाते रहेंगे अच्छी खबरें, बड़ी खबरें। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर लें और कमेंट जरूर करें। अगर आपको कुछ अच्छा लगा तो चल वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करें। तब तक के लिए धन्यवाद, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, जल्द ही मिलेंगे। नमस्कार।